वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आई एम गोना शेयर विद यू गाइस माय नो मेकअप लुक। यानी कि आपने मेकअप तो किया हुआ है पर किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने मेकअप किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स गाइस, एज यू ऑल नो, मेरी है एक्ने प्रोन स्किन, तो नो मेकअप ना एक्ने प्रोन स्किन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको चाहिए बिल्कुल नेचुरल स्किन, बिल्कुल लाइट वेट मेकअप। बट ऑफ कोर्स इतना ज्यादा एक्ने हो तो हाइड करने के लिए मेकअप तो अप्लाई करना पड़ता ही है। बट आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके एक्ने भी हाइड हो जाएंगे एंड आपको एकदम नो मेकअप वाला इफेक्ट मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नो मेकअप लुक के लिए ना यू रियली वांट टू मेक श्योर कि आपकी स्किन बिल्कुल लाइक हाइड्रेटेड हो, प्लम्प हो, ड्राई ना हो बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन अप्लाई कर लिया अपने फेस के ऊपर। ऑल्सो गाइस, मेरे ना यहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े से एक्ने हो रहे थे तो उसके ऊपर ना मैंने पिंपल पैच लगाया हुआ, तो अगर वो विजिबल होगा तो प्लीज उसको एक्सक्यूज कर देना। अभी उसको मुझे हील करना है तो ऐसे उसके ऊपर मेकअप जाएगा तो और ज्यादा दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने वो अप्लाई किया हुआ है। सो नाउ आई एम गोना अप्लाई माय प्राइमर। तो मेरी स्किन में अच्छे से हाइड्रेशन तो आ गया, आई एम गोना अप्लाई माय प्राइमर ताकि मेरी स्किन का टेक्सचर स्मूथ हो जाए। नाउ प्राइमर एक ऐसी चीज है जिसको अप्लाई करते ही ना आपका ऐसे ऑलरेडी लगता है कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा स्मूथ है, सॉफ्ट है। तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर। ये छोटू साइज है इसका, दिस इज द स्मूथ एंड ब्लर प्राइमर, तो ये पोर्स को ना अच्छे से फिल कर देता है और स्किन के टेक्सचर को स्मूथ आउट कर लेता है। स्पेशली क्योंकि एक्ने होते हैं तो फेस के ऊपर ना टेक्सचर आ ही जाता है, बंपीनेस आई जाती है। ऑफकोर्स 100% तो नहीं, बट कहीं ना कहीं 20% मेरा जो टेक्सचर है ना वो काफी ज्यादा स्मूथ आउट हो गया। सो नाउ आई एम गोना अप्लाई माय कंसीलर। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा कंसीलर अप्लाई करूंगी। नाउ गाइस ऑलवेज रिमेंबर, लेस इज मोर। तो आपको अपनी स्किन टोन से ना हल्का सा डार्क कंसीलर अप्लाई करना। उसके लिए मैं यूज करी स्विस ब्यूटी का कंसीलर। यू ऑल नो मुझे कितना ज्यादा पसंद है, आई ऑलवेज यूज दिस। बट क्योंकि ये नो मेकअप है ना, तो मैं आई एम मेकिंग श्योर मैं बिल्कुल हल्का हल्का अप्लाई करूँ। तो जहां जहां पे एक्ने है मैं सिर्फ उसी के ऊपर टारगेट करके इस कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं कर रही, बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई कर रही। एंड ऑल्सो गाइस, अभी इस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे फेस के ऊपर एक्ने वो भी बहुत ज्यादा गए, मेरी पूरी चिन भर गई है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था तो वो कह रहे थे कि अभी इस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल है, तो कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं है। एंड स्किन स्पेशलिस्ट को भी उन्होंने मना ही किया दिखाने के लिए, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। अभी हो रहा है तो हो रहा है, इट्स ओके। जब एक बार ही बेबी हो जाएगा उसके बाद ही देखेंगे, अभी एक्ने का तो कुछ कर नहीं सकते। सो आई एम गोना ब्लेंड इट आउट अच्छे से विद द हेल्प ऑफ माय ब्लेंडिंग ब्रश। तो उसके लिए ऑफकोर्स मैं यूज करी पैक का 073 ब्रश एंड बिल्कुल लाइट हैंडेड होके ना हल्के हाथों से आई एम गोना ब्लेंड इट ऑल आउट बिल्कुल अच्छे से। सो यू वांट टू मेक श्योर कि आप इसको इतने अच्छे से ब्लेंड करो कि बिल्कुल भी डिटेक्ट ना हो, आपकी स्किन में अच्छे से मर्ज हो जाए, बट ऑफकोर्स कवरेज बनी रहे। ऐसा ना हो कि ब्लेंड करते करते प्रोडक्ट ही सारा गायब हो गया, उड़ गया एंड हमको कवरेज तो मिली ही नहीं। सो मेक श्योर कि इसको सीमलेसली ब्लेंड करना, बट ओवर ब्लेंड भी मत करना। एंड ऑफकोर्स ब्लेंड करने के लिए यू ऑलरेडी नो, डैप करो और ब्लेंड करो। तो अच्छे से हल्के हाथों से डैप 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 करके इसको ब्लेंड आउट कर लो। सो गाइस, मैंने इसको काफी ज्यादा नेचुरली स्किन में अच्छे से ब्लेंड कर लिया। नाउ ऑलवेज मेक श्योर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मत अप्लाई करना, बिल्कुल हल्का हल्का प्रोडक्ट अप्लाई करना जहां पे जरूरत है वहीं पे। सो दैट विल गिव यू नो मेकअप वाला लुक। एंड नाउ आई एम गोना सेट इट विद अ पाउडर। नाउ ऑलवेज मेक श्योर अगर आप ज्यादा पाउडर अप्लाई करोगे आपका फेस ना बहुत ज्यादा ड्राई लगेगा, जिसकी वजह से एक्चुअली लगेगा कि हाँ आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन ऑफकोर्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो। तो मैं के ब्यूटी का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ एंड हल्का सा लेके आई एम जो ना सेट माय बेस जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया। अब देखो आज मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया, कोई भी हाइलाइटिंग कंसीलर नहीं अप्लाई किया, बिकॉज इट्स अ नो मेकअप एंड आई वांट टू मेक श्योर कि मेरी स्किन नेचुरल लगे। तो चलो गाइस, एनीवे अभी आई नो मेरे पिंपल पैच थोड़े से विजिबल हो रहे हैं, बट बिगर इग्नोर दैट क्योंकि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। सो आई एम गोना ऐड लिटिल बिट ऑफ ब्लश टू माय चीक्स ताकि मेरे चीक्स के ऊपर भी प्यारा सा ब्लश ऑफ कलर आ जाए। नाउ आई नो ये पैन में बहुत ही ज्यादा इंटेंस और एकदम बार्बी वाला पिंक लग रहा है, बट इतना ज्यादा पिंकी है नहीं है। आई एम गोना टेक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इट। नाउ ऑलवेज मेक श्योर गाइस, जब भी आप पिक करो ना ब्लश को ऐसे करके ना एक्स्ट्रा को निकाल लेना, बिकॉज ये नो मेकअप है। यू डोंट वांट कि एकदम से आपके फेस के ऊपर ना ढेर सारा प्रोडक्ट आ जाए एंड देन अप्लाई इट। ऐसे करके निकालोगे ना तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फेस के ऊपर नहीं आएगा। नाउ यू सी कितना प्यारा सा नेचुरल ब्लश ऑफ कलर मुझे मिल गया, एकदम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी नहीं लग रहा। एंड ऑफकोर्स गाइस, जब भी हम लोग नेचुरली फ्लश करते हैं ना हमारे ये एरिया रेड होता है, ना कि ये एरिया। यूजुअली हम लोग ब्लश यहाँ से अप्लाई करते हैं ना, सो मेक श्योर कि आप यहाँ से कॉन्सेंट्रेट करो, अपने एप्पल्स पे पहले अप्लाई करो एंड देन उसको ब्लेंड करते करते पीछे ले जाओ, इससे ज्यादा नेचुरल लगेगा। एंड आई एम गोना ऐड लिटिल बिट ऑफ इट ऑन माय चिन एंड आल्सो ऑन माय नोज। बिल्कुल नेचुरली और लाइटली मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी, जो भी स्पार्स एरियाज है ना सिर्फ उन्हीं को। एंड गाइज ऑलवेज रिमेंबर, जो आईब्रोज होती है वो हमारे फेस को करती है फ्रेम, सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी आईब्रोज को जरूर फिल इन कर लेना। एंड गाइज नाउ टू मेक श्योर कि मेरी आई लैशेज ना बिल्कुल घनी घनी सी लगे, आई एम गोना ऐड अ लिटिल बिट ऑफ काजल
ऑन माई अपर लैश लाइन। सो ये एक काइंड ऑफ इनविजिबल आई लाइनर का भी आपको लुक देगा। वो क्या करना है, जो आपका ये लैशेज के नीचे वाला एरिया होता है ना, लाइक ये वाली जो स्किन होती है उसके ऊपर अप्लाई करना। So, इससे ना आपको एक इनविजिबल लाइनर का लुक मिलेगा एंड आपकी लैशेज इंस्टेंटली फुलर लगेंगी। ऑफ कोर्स आई एम गोना ऐड सम मस्कारा, और मैं बिल्कुल हल्का सा ही मस्कारा अप्लाई करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज्यादा अलग सी बात है मेरे लिए, बिकॉज आई लव मस्कारा, मैं बहुत अच्छे से अप्लाई करती हूँ। सो मस्कारा लगाने से ना गाइज आपकी आई लैशेज बिल्कुल डॉल लाइक लगती हैं, आप एकदम वेक्ड अप लगते हो, ऐसे सोए सोए से नहीं लगते हो, एंड इट लुक्स वेरी गुड। सो ऑलवेज मेक श्योर टू एड अ गुड कोट्स ऑफ मस्कारा। नाउ इट्स अप टू यू, अगर आपको घनी लैशेज का इफेक्ट चाहिए देन आप ज्यादा अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको नेचुरल इफेक्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा भी अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ फॉर माय लिपस्टिक आई एम गोना अप्लाई दिस नायका की मोल्टन मैट लिपस्टिक इन द शेड ब्लेड। दिस इज अ परफेक्ट MLBB शेड फॉर मी, मतलब माय लिप्स बट बेटर। सो ये मेरे नेचुरल लिप कलर से काफी ज्यादा क्लोज है तो काफी नेचुरल लगेगा। सो गाइज दिस इज माय फाइनल लुक एंड दिस इज अ परफेक्ट नो मेकअप मेकअप फॉर एक्ने प्रोन स्किन, एंड आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड आई एम गोना सी यू गाइज टुमारो विद माय ब्रांड न्यू वीडियो। बाय गाइज।